बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल कैलकुलस के यूलर थ्योरम पर बेस्ड क्वेश्चन है। इफ़ ए यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई अपान स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई, प्रूव दैट डेल यू ओवर डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपान एक्स डेल यू ओवर डेल वाई। तो सबसे पहले तो हम जो गिविन एक्सप्रेशन है वो लिखेंगे, यू इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई अपान स्क्वायर रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। अब इस साइन इनवर्स को ख़त्म करने के लिए इसको जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये साइन यू में बदल जाएगा और रूट एक्स माइनस स्क्वायर रूट वाई अपान रूट एक्स प्लस स्क्वायर रूट वाई। इससे हमें ये फंक्शन जो मिलेगा वो होमोजीनियस हम इसको बोल सकते हैं और इसे एक नया नाम हम दे देंगे। इसका नया नाम जो है वो चूँकि यू हो चुका है इसलिए हम एफ़ का यहाँ पर यूज़ करेंगे, यू तो हमें दे रखा है। जब हम डिग्री की बात करेंगे तो यहाँ से फाइंड करना होता है और बस बाकी के लिए फंक्शन एफ़ की वैल्यू है यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर एफ़ होमोजीनियस फंक्शन है क्योंकि अगर हम न्यूमरेटर में देखें तो दो टर्म है यहाँ पर और दोनों की डिग्री जो है वो 1/2 है क्योंकि स्क्वायर रूट हटाएंगे तो पावर 1/2। ऐसे ही डिनोमिनेटर को देखेंगे उसमें भी दो टर्म है, उसमें भी हर एक टर्म की पावर इक्वल है। ऐसे ही फंक्शन को हम होमोजीनियस फंक्शन बोलते हैं। तो एफ़ जो है वो होमोजीनियस फंक्शन है, इसकी डिग्री हम अब लिखेंगे और फिर यूलर थ्योरम को अप्लाई करेंगे। तो बता दें हम यहाँ पर देयरफॉर सिंस एफ़ इज़ ए होमोजीनियस फंक्शन और इसके साथ साथ हम इसकी डिग्री बता देंगे और ये किस में है होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई में है, ऑफ डिग्री इसको एन से डिनोट करते हैं तो न्यूमरेटर की डिग्री 1/2 है और डिनोमिनेटर की डिग्री 1/2, तो इसलिए डिग्री इसकी ज़ीरो हो जाएगी। अब यहाँ पर हम यूलर थ्योरम का यूज़ करेंगे और यूलर थ्योरम के यूज़ से फिर हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यूलर थ्योरम का यहाँ पर हमें यूज़ करना है, तो बाई यूलर्स थ्योरम। तो यूलर थ्योरम से किसके लिए, फॉर एफ के लिए हम लोग जब अप्लाई करेंगे तो फार्मूला होता है एक्स डेल, चूँकि फंक्शन हमारा होमोजीनियस एफ है तो डेल एफ़ ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ़ ओवर डेल वाई राइट हैंड साइड में होगा एन इंटू एफ़ होगा। फिर एन की वैल्यू रख देंगे और एफ़ की वैल्यू रख देंगे। एफ़ की वैल्यू जैसे कि हमें यहाँ पर दिख रहा है एफ़ की वैल्यू साइन यू यूज़ करना है, जैसे कि हमने पहले भी बताया था साइन यू प्लस वाई इंटू डेल ओवर डेल वाई साइन यू राइट हैंड साइड में एन की वैल्यू ज़ीरो है, एफ़ लिख दें और एफ़ की वैल्यू कुछ भी रखें तो मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो ही हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन पार्शियली करेंगे साइन का और साइन का डिफरेंशिएशन हमको मालूम है कि कॉस होता है लेकिन ये x नहीं था इसलिए u का दोबारा x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होगा। तो ऐसे ही यहाँ पर करेंगे साइन का साइन u का y के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएशन, कॉस u हो जाएगा और u का डेल u ओवर डेल y हो जाएगा राइट हैंड साइड में ज़ीरो। अब हम चूँकि जैसा कि प्रूव करना है उसमें डेल यू और डेल एक्स लेफ्ट हैंड साइड में आ रहा तो इस टर्म को हम राइट में पहुंचा देंगे तो एक्स कॉस यू इंटू डेल यू और डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई इंटू कॉस यू इंटू डेल यू और डेल वाई। अब इस टर्म को हम यहाँ पर रखते हुए देख रहे हैं कि कॉस से कॉस को कैंसिल कर सकते हैं और डेल यू व डेल एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो एक्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो वाई अपान एक्स हो जाएगा डेल यू व डेल वाई और यही हमें प्रूव करना था। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।